नमस्ते दोस्तों, क्वांटम क्लास में आपका स्वागत है। ये एक इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल जहां पर स्टूडेंट्स किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, बार बार सुनिए, दिए गए ट्रिक्स को याद करें, इससे आपका सक्सेस बहुत नजदीक हो जाएगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है उसमें हाई भेजिए और आपका नंबर व्हाट्सएप में ऐड हो जाएगा और आप एग्जाम रिलेटेड तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। ये जो विटामिन का केमिकल नेम होता है उसको याद रखना है, ठीक है? बहुत ही इजी शॉर्टकट है, जरा बस ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। अब सोचिए विटामिन ए, ठीक है? अब ए को हम क्या जानते हैं, रेटिनॉल, ठीक है? रेटिनॉल। अब रेट्स को, RET को अगर रात सोचेंगे, रात हम लोग सबको पता है कि अंदर से हर कोई भूत से डरते हैं, राइट? भूत का मतलब, अब इसको अगर ऐसे देखेंगे कि इंसान को ऐसे चलता हुआ रात को, तो सबको डर लगेगा। तो इसको अगर हम ऐसे देखेंगे रात को तो उसको क्या लगेगा देखने में, ए जैसा दिखता है ना ये, तो ए के जैसा ही तो दिखता है ये, तो इसको कहते हैं रेटिनॉल। रात को अगर कोई ए जैसा फिगर दिखेगा तो भूत के जैसा लगेगा, ठीक है? B1, ठीक है? B1। अब B1 का वन मतलब हमेशा सिंगल पर्सन, ठीक है? अब माइंड, माइंड क्या होता है, ऑलवेज सिंगल पर्सन, ठीक है? अब सिंगल पर्सन जब होता है तो इसको माइंड कहते हैं, और माइंड इज ऑलवेज वन, मतलब एक ही इंसान। तो B1 का मतलब होता है थिया, थिया माइंड, ठीक है? तो सिंगल पर्सन माइंड से B1, ठीक है? अब नेक्स्ट आते हैं रिबोफ्लाविन, दैट इज B2। अब हम सबको पता है रिबन के बारे में, जो बच्चियां स्कूल में बालों में लगा कर जाती है, ठीक है? तो सोचो ऐसा एक रिबन है, ठीक है? और तो हम हर कोई क्या करते हैं कि दो बालों में लगाते हैं रिबन, ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिबोफ्लाविन। तो B2 दो झुटियों में लगाते हैं बालों में, तो इसका नाम क्या हो गया, रिबोफ्लाविन। रिबन से रिबो एंड दोनों से बालों में लगाते हैं तो रिबोफ्लाविन। अब आते हैं B3 पे, चलो नेक्स्ट है B3। इसका मतलब क्या है, नियासिन, ठीक है? अब नियासिन को कैसे याद रखोगे, देखो ये भी एक रीजनिंग है, ठीक है? इधर बीच में क्या है, AC। अब ABC, ठीक है? बी से क्या होगा, बी बीच में है इसी का, ABC बीच में, ठीक है? अब ये तीनों मिलाकर क्या होता है, 3 अल्फाबेट है, तो इसका क्या होगा कि B3। तो B3 से क्या आएगा, AC, ठीक है? अब बीच में बी, तो इसको B3 से याद रखना है। ABC का मतलब है 3 आएगा और बी तो बीच में ही है, तो बी को लगाकर B3, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है B5, ठीक है? अब B5 से याद रखो पेंटो, ठीक है? पैंट को याद रखना, ठीक है? पैंटो भी नहीं, पैंट ही याद रखो। तो पैंट से क्या होता है, जब बच्चे का उम्र 5 साल का हो जाता है, जब बच्चे का उम्र 5 साल का हो जाता है तब बच्चा खुद ही पैंट पहनने लगता है, ठीक है? उसको शर्म लाज सब आ जाता है, तो वो 5 साल की उम्र से खुद ही पैंट पहनकर सीख जाता है। अब आता है नेक्स्ट B6, ठीक है? B6 का मतलब क्या है कि पाइरोडॉक्सन, ठीक है? अब देखो इसमें साइन, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड दिख रहा है नाइन, तो इसको अगर हम उल्टा कर देंगे, नाइन को अगर हम उल्टा करते हैं तो इसको देखने में कैसा लगता है, सिक्स जैसा। तो ये B6 से याद रखना, नाइन रिलेटेड है, ठीक है? तो सिर्फ नाइन, B6 में याद रखना, B9 में मत याद रखना, इसके लिए अलग ट्रिक्स है। B6 को हम 9 के जैसा दिखाएंगे, ठीक है? B7, ठीक है? इसका है कि बायोटिन। अब इससे सिमिलर वर्ड क्या होता है, निकोटिन। निकोटिन का मतलब क्या होता है, जो स्मोकिंग वगैरह में जो अंदर में डाला जाता है उसको निकोटिन कहते हैं, ठीक है? जैसे कि ड्रग टाइप का, तो जिसको ये लेने का आदत है ना, वो हमेशा 7 सप्ताह में 7 दिन ही लेता है। तो अगर कोई निकोटिन 7 दिन ले रहा है तो इसे याद रखना कि B7, ठीक है? 7 सप्ताह में 7 दिन से 7 और निकोटिन से बायोटिन, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट B9, फॉलिक एसिड, ठीक है? अब देखो B9 का मतलब होता है फॉलिक एसिड, B9 इज इक्वल टू फॉलिक एसिड। अब देखो फॉलिक F, ठीक है? अगर हम F को ऐसे लगा दे और इसको उल्टा कर दे तो क्या आता है, 9, तो B9 से फॉलिक एसिड, ठीक है? ये याद हो जाएगा। देखो हर चीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चीज को याद करने की चीज जरूरी है कि हम याद कैसे करेंगे। अब याद के लिए हम ट्रिक्स दे रहे हैं, तो ट्रिक्स को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए ट्रिक्स को थोड़ा एंजॉय करके सुनना, इसको रट्टा मारने की जरूरत, ट्रिक्स कभी रट्टा नहीं मारना चाहिए, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट B12, दैट इज साइनोकोबालमिन, ठीक है? अब इसको देखो साइनो, ठीक है? इसका स्पेलिंग क्या होता है, CYANO, ठीक है? अब इसको सी को अगर थोड़ा सा अलग से सोचे
जी की तरह, तो इसका क्या आता है, ज्ञान देना। ठीक है, जिसको ज्ञान देने की आदत है ना, वो हफ्ता में रोज ज्ञान देता है। उसमें से क्या होता है, अगर दिन पे वो 12 घंटा सोता है काम पे, बाकी 12 घंटा वो क्या करता है, ज्ञान ही देता है। तो कायनों से याद रखो कि 12 घंटा कोई ज्ञान देता है। ठीक है, तो उसका 12 को तो इसलिए याद रखो सायनो। ठीक है, अब आते हैं विटामिन सी। सी बहुत ही इजी है, तुम्हें देख कर याद आ गया, इसके लिए कोई ट्रिक्स इतना जरूरी नहीं है। विटामिन सी के लिए है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसमें देखो एक चीज याद कैसे रखोगे अगर कोई गलत हो गया तो। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए एक चीज याद रखो, एस्कॉर्बिक एसिड में ना दो दो बार सी आता है। ठीक है, तो सी सी से देखने के बाद ऑटोमेटिक तुम्हें याद आ जाएगा, इसको घटाने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट विटामिन डी के बारे में बोलते हैं, पहले एक थोड़ा सा छोटा सा एक रीजनिंग कर लेते हैं। ठीक है, विटामिन डी, तो डी को हम रखते हैं इधर, डी से पहले क्या आता है सी, और डी के बाद क्या आता है ई। ठीक है, अब ए का वैल्यू है D3, एक का नाम, एक का है D2। ठीक है, अब देखो कैल्सिफेरॉल ये दोनों में है, डी का मतलब ये कैल्सिफेरॉल। ठीक है, अब ये दोनों को कैसे याद रखना है इसके लिए हम देख इसको बोल रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं, डी को डी के आगे आते हैं सी और डी के बाद आता है ई। अब ऑटोमेटिकली हमको लगेगा कि सी तो पहले आया तो वैल्यू उसका 2 होना चाहिए और ई का वैल्यू 3 होना चाहिए। ठीक है, इस केस में क्या होगा, हमें उल्टा करना है, जिसका वैल्यू बड़ा है वो आगे आ जाएगा और जिसका वैल्यू छोटा है वो पीछे आ जाएगा। मतलब पहले ऊपर आएगा बड़ा वैल्यू, उसके बाद छोटा। मतलब अगर हम सोचें तो सी का वैल्यू 2 होना चाहिए, इसका वैल्यू 3 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि 3 उल्टा आ जाएगा और 2 बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो उसका नाम होगा कोलियोकैल्सिफेरॉल और दूसरा नाम होगा एडिकोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है विटामिन ई। तो इसे याद रखो, इसका नॉर्मली केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। ठीक है, अब इसको याद रखना, एक मूवी का नाम है हेरा फेरी। ठीक है, अब हेरा फेरी से याद रखना, अब इस साल क्या आ रहा है, हेरा फेरी 3। तो ई को अगर हम ऐसे लिखे उल्टा करते हैं तो इसको 3 दिखता है, हेरा फेरी 3 से याद रखना। अब आते हैं के। के से हमको क्या याद आता है, किंग, के फॉर किंग। पहले हम जिंदगी में लिखते हैं के फॉर किंग। अब के किंग का वाइफ क्या होता है, क्वीन। तो फाइल ऑफ क्वीन एन। ठीक है, तो क्वीन एन से क्वीन आ जाएगा, तो के से किंग और क्वीन आ जाएगा। ठीक है,